चिमूर तहसील के शंकरपुर परिसर में शराब की तस्करी करने वाला वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तस्करी में शामिल पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चिमूर तहसील के शंकरपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित साठगांव में विदेशी शराब की तस्करी करने वाले एक चौपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह घटना शुक्रवार को शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास घटी। नागपुर जिले के भिवापुर से जायलो MH03BS7502 इस वाहन से विदेशी शराब की तस्करी हो रही थी और इसी दरमियान यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मगर किस्मत से जीवित हानि टली। दुर्घटना की जानकारी होते ही वहां पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और यह जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें विदेशी शराब मिली। मैं इस घटना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी शंकरपुर चौकी के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद जामड़े। काल दिनांक 31/7/2020 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता ग्राम साठगाव येथे दोन दाम्पत्य पती पत्नी हे अवैध दारू वाहतूक करताना मिळून आले आणि त्यांनी ग्राम साठगाव येथील एक युनिकॉर्न चालकाला उभ्या गाडीला कट मारली, त्याचबरोबर चहाच्या टपरीतसुद्धा गाडी गेली त्यांची आणि अपघात झालेला आहे आणि त्यांच्या वाहनातून 80 नग इंग्लिश दारूच्या बॉटल 24,000 रुपयाचा जप्त करण्यात आला आणि झायलो गाडी 10,24,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि पुढील गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। वही इस घटना के संबंध में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई शंकरपुर चौकी के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद जामले, पुलिस सिपाही रंगराव खोबरागड़े विनोद जामले के साथ शंकरपुर पुलिस चौकी के रंगराव खोबरागड़े मंगेश बंसोड़ अमित उर्गुड़े ने अंजाम दिया। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि जगदीश पिन्ना की रिपोर्ट।